आवाज चेक करें, आ रही है? कॉपी करके बैलून सेंड कर। ठीक है, तो बात कहने को ना लिंक सेंड कर दो, उसको लिंक सेंड कर दो और चेक भी करो कि लाइव आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है लाइव? बस ठीक है, तो बात कहने को ना करो सेंड लिंक और उसको एक मैसेज और फॉरवर्ड कर देना कि मलक को भी कर दो, बिशारत को भी कर दो, जिस जिसको साथ लेके आना है ना सबको कर दो, आज पता तो चले कि क्या कर रहे हैं। अपने ग्रुप में अपनी ही पोस्टें अप्रूव करके उसको फॉरवर्ड करो जरा। वेटिंग पे हूँ, ठीक है। नीचे गेस्ट, गेस्ट क्या, आज चंद बंदों ने ना पाकिस्तान में फेसबुक पे के नाम से, फेसबुक के नाम से ना बहुत बड़ा मार्का मारा हुआ है, ठीक है। आज एक्सपोज करूंगा, एक्सपोज नहीं एक सीरीज पे करूंगा, ठीक है, एक सीरीज पे उनको एक्सपोज करूंगा। मेरा उनसे क्या चक्कर है, उनको मुझसे क्या तकलीफ है, मेरी उनसे क्या तकलीफ है, मतलब वो सारा कुछ ना आज उनका वेट हो रहा है। अगर कोई हमाद ज्ञानी का बंदा, कोई हमाद ज्ञानी का फॉलोअर, कोई बिशारत मोहर का फॉलोअर, मलक शहजाद का फॉलोअर अगर कोई देख रहा है ना, तो मैंने उनको लिंक फॉरवर्ड कर दी है, उनके ग्रुप में पोस्ट भी कर दी है, उनको एक दफा ना यहाँ पे मेंशन कर दें, उनको बोलें कि हम लाइव बैठे हुए हैं, आए हमारे साथ, करें हमसे बात। खुद को बड़े समझते हैं जी, हम ये हैं हम वो हैं, मेरे साथ लाइव में आके बैठो। फॉरवर्ड कर दिया लिंक, जितने भी बंदे देख रहे हैं ना एक दफा उस ग्रुप में जाके पोस्ट लाजमी कर दो कि वो बंदा लाइव बैठा हुआ, आके उसके साथ में बात करो। जितने भी बंदे बैठ रहे हैं, मसला क्या है, ये लाइव में आप लोग देखेंगे, उसको बोलो क्या जाए। उसका व्हाट्सएप पे मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दी है माध ज्ञानी के, उसको बोलो उठाए मेरा लिंक हो रहा है यहाँ पे, बात करें उससे। सुबह को उन्होंने ड्रामेबाजी बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर अपनी पोस्टें अप्रूव कर देते हैं, मेरे खिलाफ पोस्टें करते हैं, और पोस्ट करने पे अगर मेरा कोई बंदा उनको रिप्लाई कर दे, मेरा कोई बंदा मेरे हक में पोस्ट कर दे, तो वो अप्रूव ही नहीं होती। इसका भी लाइव प्रूफ है मेरे पास, मैं आपको वो भी लाइव दिखा दूंगा। इसी चैनल पे एक सीरीज आएगी कि पाकिस्तान में फेसबुक से किसी ने लूटा है। मैं आपके कमेंट भी ऑन कर देता हूँ, जब तक नहीं आते मैं कमेंट ऑन करता हूँ आपके, यहां से मैं आपके कमेंट ऑन करता हूँ। गेस्ट को हम बार बार इनवाइट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा, दोबारा फिर लिंक सेंड कर दो उनको, दोबारा फिर लिंक सेंड कर दो। यार पता क्या बात है, मैं आप सब लोग 100 बंदे मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक चीज, इनका बेसिक मकसद पता क्या है, इनका मकसद ये है कि मैं इनकी लाइन से हट जाऊं, इनके रास्ते से हट जाऊं। अब वो क्यों, किस लिए, पेड कोर्स मैं भी करवाता हूं, पेड कोर्स ये भी करवाते हैं, ये फीस लेते हैं 60,000 रुपए, कितनी 60,000 रुपए, और बाद में क्या करते हैं, उसी बंदे को रिप्लाई तक नहीं करते अपने ग्रुप में जो इन्होंने पेड ग्रुप बनाए होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 मंथ में एक पेड कोर्स लॉन्च करता हूँ और अपनी उन बंदों का प्रॉपर टाइम देता हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं और मुझे कहते हैं कि तारिक भाई आपका कोर्स ज्वाइन करना है। अब इनको यही मुझसे मसला है कि मेरे कहने पे ना इनके जो क्या कहते हैं रोजी, या कह लें कि जो पेड कोर्स करने वाले हैं वही है, ठीक है, वो बंद हो रही है, तो मुझे ये कहते हैं कि ये बंदा यूट्यूब पे ना जाए, इसको हम ये कर देंगे, इसको वो कर देंगे। भाई मेरे साथ आके लाइव में बैठो ना, आपको हमने इन्वाइट किया हुआ है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लेना भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, हमने ऑडियंस को दिखानी है, ठीक है। 9-6 बजे का मैसेज किया हुआ है, अभी तक हमें रिप्लाई नहीं आया, और जो मैंने इनको रिप्लाई दिया वो अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि तारिक नहीं आ रहा। मेरे साथ जिस दिन मर्जी का ये टाइम रख लें, मैं भागने वाला नहीं हूँ, ठीक है, जिस दिन मर्जी का, हमाद ज्ञानी, बिशारत मुगल और मलिक शहजाद, ये तीनों को ओपन चैलेंज है मेरा, जिस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे साथ बात करें,
मुझसे जो इशू है मुझे बताएं, जो मुझ में गलती है मुझे बताएं, मैं सही ना करूं तो मुझे कहना कि अपने बाप का नहीं है। अगर जो तुम में गलती है अगर तुम सही नहीं कर सकते तो फिर कहना। इनको मैं ना ओपन चैलेंज करता हूँ तीनों बंदों को, एक महीना ये आपको सिखा दे फ्री में, एक महीना मैं आपको फ्री में सिखा देता हूँ। अगर एक बाप के है ना तो मेरी इस बात को एक्सेप्ट करें। और जो बंदा हारेगा, जो बंदा सही नहीं सिखाएगा, वो खुद को एक दूसरे का शिगिर्द मानेगा। अगर मैंने सही सिखाया ना, आप लोगों को फैसला आप लोग करेंगे, अगर मैंने सही सिखाया तो ये मुझे अपना उस्ताद मानेंगे, अगर ये मुझे मुझसे बेहतर सिखा सके तो मैं इनका शिगिर्द हो जाऊंगा। मैं लाइव बैठ के ये कह रहा हूँ, मेरी ये लाइव पड़ी हुई है, जाके इनके ना एक दफा इनको दिखाएं यार, ठीक है। बुरे कमेंट करते हो ठीक है, मेरे थंबनेल में थोड़ा सा क्लिकबेट होता है, मानता हूं मैं क्लिकबेट गलत कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे कौन ऐसा बंदा है जो कि क्लिकबेट नहीं करता? यूट्यूब पे कौन सा ऐसा बंदा है जो कि मतलब ऐसे थंबनेल यूज नहीं करता? काशिम मजीद पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, वो क्लिकबेट यूज करता है, जितने भी ब्लॉगर हैं वो क्लिकबेट यूज करते हैं। मेरे क्लिकबेट से इनको क्या मसला है? अरे भाई, मेरे से अगर कंपेयर करना ना खुद को, तो 3 साल लगातार डेली के एक वीडियो डाल के दिखाओ चैनल पे, स्पेशली तौर पे या मलिक शहजाद को कह रहा हूँ, ये जरा रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, उनको फॉरवर्ड कर लिया इधर अपने मोबाइल से। ये वर्ल्ड, मैं स्पेशली मलिक शहजाद को कह रहा हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके लिए कोई बैड वर्ड यूज करूँ। आप उस ग्रुप के ओनर हैं, उस ग्रुप में मेरे खिलाफ कोई भी पोस्ट होगी मुझे उसकी तकलीफ होगी। और आपको एक ओपन चैलेंज करता हूँ, एक महीना लगातार पहले आप सिखा लें उसी ऑडियंस को, बाद में मैं उस ऑडियंस को सिखा दूंगा और फैसला ऑडियंस करेगी कि कौन बंदे ने सही सिखाया है, ठीक है। अगर हिम्मत है तो मेरा एक्सेप्ट करो ये चैलेंज, अगर मैं हार गया तो मैं आपका शिगिर्द हो जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो आप मेरे शिगिर्द हो जाना। और यही दोनों चैलेंज हमाद ज्ञानी और बिशारत को भी है, ठीक है। अपने ग्रुप में पोस्ट अप्रूव करके खुद को बड़े समझते हो, ठीक है, आओ ना बैठो ऑडियंस के सामने, जिस दिन बोलोगे मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे बैठूंगा अपने चैनल पे, ऑडियंस को दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं समझ आती तो यार ये ना लॉलीपॉप देना बंद कर दो, जिस दिन ग्रुप की रीच आपकी आईडी की रीच बंद हो जाती है उसी दिन आप किसी ना किसी की टांग खींचना स्टार्ट कर देते हो। काक सिखा रहे हो पाकिस्तान में, आप हफ्ते में एक वीडियो डालते हो, क्या सिखाते हो आप पाकिस्तान में? इतनी ज्यादा दर्द ना मलिक साहब तो पाकिस्तान में आगे बैठो, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए एक फ्री में कोर्स लॉन्च कर दो। मजा तो तब आए ना कि आप पाकिस्तान के खैर को आए, मजा तो तब है ना कि पाकिस्तान के लिए आप बड़ा सोच रहे हैं। एक ग्रुप को टाइम देना, और वो भी मेंबर्स की वजह से वो ग्रुप प्रमोट कर रहा है या ग्रुप ऊपर आ रहा है, तो मुझे, मैंने तो कभी नहीं पोस्टिंग की, मैं अपने बलबोते पे हूँ, मैं लाइव नहीं आना चाहता था इस वजह से कि कहीं ये ऑडियंस पागल है, ये समझते हैं कि शायद मैं उनके कहने पे लाइव आ रहा हूँ और प्रमोशन के लिए आ रहा हूँ। प्रमोशन की जरूरत जिनको है ना वो कोर्स बेच रहे हैं हमाद ज्ञानी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बंदे का, उस बंदे को यूज किया जा रहा है। मलिक शहजाद और हमाद ज्ञानी दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर खींच लिया, थोड़ा सा इधर खींच लिया, चलो जी बाद में कोर्स सेव किया। मेरी बातें जैसी भी हैं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा अगर मुझमें ये खामी निकाल लेना कि तारिक भाई आप गलत कर रहे हो, किसी बंदे का पैसा खाया हो मैंने, किसी पेड़ पैच में लेके उसको मैंने नहीं सिखाया हो, मैं छोड़ दूंगा, यूट्यूब छोड़ दूंगा। इनके लिए भी यही पैगाम है, मैं साबित करता हूँ हमाद ज्ञानी ने 1-1 लाख रुपए लिया है, मलिक शहजाद ने उसका हिस्सा लिया है, और वो रिप्लाई तक नहीं करते अब उन स्टूडेंटों को, मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना तो आए मेरे साथ, दोबारा फिर लिंक फॉरवर्ड कर दे भाई उसको, दोबारा फिर लिंक फॉरवर्ड कर। माधव के साथ थोड़ा सा हाइपर, सुबह का इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है, 4 पेज क्या रन कर लिए, 4 अर्निंग क्या कर ली, खुद को ये कहते हैं कि अगला बंदा कुछ कर नहीं सकता। इनको इनकी औकात रहना याद दिला दूंगा, फिर कहना मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, ये रिकॉर्ड कर लेना मेरी, मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा हम आप यानी स्कैमर के नाम से, और मैं उसमें प्रूव करूंगा कि ये बंदा स्कैम करता है पाकिस्तानियों के साथ, हर बंदे के साथ, इसकी इंडिया के लोगों के ग्रुप के साथ इन्होंने स्कैम किया हुआ है, मेरे पास सारी एक एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैंने तो कभी नहीं दिखाई। पहले अपने ना गिरेबान में झांको, और ये लास्ट वार्निंग है, ना मैं तुमसे लेके खाता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, और ये वार्निंग नहीं है, मैं अपने चैनल पे एक्सपोज भी करूंगा, ठीक है यार। अब मैं क्या कहूँगा, मैं सुबह से ना यकीन करें मैं चाहता था कि मैं लाइव ना हूं, मैंने इनसे एक्सक्यूज भी किया, मैंने कहा चलो यार
मैंने एक वो जीजा जी वाली पोस्ट की थी, चलो मैं सॉरी भी करता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट, मैं बार बार लिंक उनको शेयर कर रहा हूँ, हिम्मत है ना तो आगे आए मेरे साथ, नहीं होगी, अपने ग्रुप में तो सारे शेयर होते हैं, आप कहेंगे तारिक भाई आप अपने चैनल पे बैठे हो, मैं जहां पे मर्जी बैठ जाऊं मेरे साथ आके कंपेयर कर लेंगे, मेरी नॉलेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तीनों को एलओसी का मीनिंग नहीं पता, मुझे ये बता दें कि एलओसी का रियल मीनिंग क्या है, फिर भी मैं मान जाऊंगा, बातें करते हैं ये। 500 वीडियोस यार, कोई बंदा 500 डाले तो सही पाकिस्तान में, 500 फालतू की वीडियो कोई भी काम की नहीं है, तो भाई फॉलो ही ना करो मुझे, अगर किसी को मुझसे टेंशन है, मेरे चैनल से टेंशन है तो ना फॉलो करो, मैं कुछ चैनल की रोजी तो नहीं ना खाता, मुझे कोई यूट्यूब इतने डॉलर नहीं दे रही जितने आप लोग सर पे बिठाए हुए। मैं अभी जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनको यही कहूंगा कि अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता तो छोड़े और जाए, किसी और को देख ले, जो आपको सही लगता उसको देख ले, ठीक है। एक दफा फिर लिंक सेंड कर और इसकी रिकॉर्डिंग साथ में रखी, हमारे यानी का नंबर है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग साथ में रखी, उसको बोल बिशारत मुगल जितने भी तीनों इकट्ठे आ जाओ, लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिए, मालवत के साथ थोड़ा सा गुस्से में हूं, लेकिन नहीं यार मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, माजरत के साथ। कमेंट आपके इसलिए नहीं मैंने ऑन करिए कि यार बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि अपना मसला लेने के लिए मुझसे कमेंट करेंगे, लेकिन मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं उनके लिए संडे में एक दिन लाइव जरूर आया करूंगा, इसी चैनल पे आऊंगा लाइव आपके क्वेश्चन और आंसर के लिए, लेकिन बात यह है कि जो टांगे खींच रहे हैं खुद तो करना कुछ नहीं, अगले बंदे को भी काम नहीं करने देते, तो उनके लिए ना मुझे थोड़े से वर्ड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ यूट्यूब की कमाई से, और मैं लानत भेजता हूँ 60,000 रुपए एक गरीब बंदे से चार्ज करके और उसको सिखाना भी कुछ नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ, जो होता है कर लो, ठीक है। तुम बैड वर्ड यूज करते हो, तुम जब मुझे माँ बहन की गालियां अपने ग्रुप में देते हो तो तुमको शर्म नहीं आती, तब तुम्हारी इंसानियत नहीं जागती, बातें करते हो तुम। 5 दफा लिंक फॉरवर्ड कर दिया माधज्ञानी को, आधी वीडियो उसने आपको शेयर किया ग्रुप में, 5 दफा हमने लिंक शेयर किया, एक दफा भी उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया, अभी भी नीचे गेस्ट का वेटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं, जिस दिन मर्जी रख ले मुझसे लाइव, मुझे कोई इतराज नहीं है। डर उस बंदे को होता है जिसने कोई झूठ बोला हो, जिसने किसी के साथ स्कैम किया और जिसने कोई वादा करके पूरा ना किया हो, मुझे ना तो इनका डर है और ना मैं इनसे लेके खाता हूं, और जितना भी आया ना मैं किसी की रेहान अल्लाह वाला आजाद चाय वाला इनकी प्रमोशन से नहीं आया, मैं अपने बल बोते पे यहाँ पे आया, इनको दर्द यह है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक कीवर्ड सर्च करेंगे तारिक भाई की वीडियो आती है, हमारी क्यों नहीं आती, इनको दर्द सिर्फ ये है कि ये बंदा ऊपर क्यों आ रहा है, मैं अपनी मेहनत से आ रहा हूँ, एडिटिंग करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, अपने पेजेस मैनेज करता हूँ, मैंने ग्रुप फॉर्मेट कर दिया ना, नहीं आ रहे आपके सामने, मैं लास्ट बात आपसे करने लगा हूँ, 10-15 मिनट हो गए, माजरत के साथ आपका टाइम बहुत कीमती होता है, मैं हाथ जोड़ के एक दफा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा चैनल आपको सही नहीं लगता तो छोड़ जाए, मेरा चैनल सही नहीं लगता तो छोड़ जाए, आपने अपनी मर्जी से मुझे ज्वाइन किया अपनी मर्जी से कर लें, ठीक है। बस ठीक है, इंशाल्लाह आपके लिए लाइव होगी और ये लाइव मेरे चैनल पे पड़ी हुई है सिर्फ उनके लिए, उनके मुंह पे तमाचा है, आना चाहो तो आ जाओ, जिस दिन मर्जी का रख लो, अभी भी आपको टाइम देता हूँ, जिस दिन दिल करे मेरे साथ लाइव रख लो, ठीक है। होप सो कि मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी, मैं कोई झूठा नहीं हूँ, मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करता, मैं किसी से पैसे लेके भाग के उसका खाता नहीं हूँ, मैं किसी के ग्रुप का रेंट प्रॉपर अदा करता हूँ, इनको तकलीफ सिर्फ यही है, बात बुरी लगी हो आपसे माजरत चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।